मनीषा कोइराला को स्पॉट किया गया था चिल्ड्रन फाइटिंग कैंसर इन अ सेलिब्रेशन के मौके पर, और यहाँ पर कैंसर से फाइट कर रहे चिल्ड्रंस के साथ डांस स्टेज पर करती हुई मनीषा कोइराला ने फिर से बॉलीवुड की याद दिला दी। बॉलीवुड में अपने फिल्मी सफर की याद दिला दी मनीषा ने। जिस तरह से हाथ जोड़कर स्टेज पर सम्मान मिलने पर भावुक होकर सभी का शुक्रिया अदा किया, नन्हे मुन्हे बच्चों के साथ कमर हिलाकर बॉलीवुड गाने पर थिरकती हुई मनीषा कोइराला जिस तरह से खुशी मनाती नजर आई, कहना गलत नहीं होगा। कैंसर से लड़ने के बाद, कैंसर को हराने के बाद कैंसर पीड़ितों के लिए जो मिसाल बनी है मनीषा कोइराला, उन्हें बॉलीवुड से अब भी उतना ही लगाव है। लास्ट टाइम मनीषा कोइराला को फिल्म संजू में नरगिस दत्त के किरदार में काफी पसंद किया गया, जिसके बाद इस तरह की कैरेक्टर रोल के लिए मनीषा अब भी अपनी खुशी जताने में पीछे नहीं रहती। खैर 90s की ये टॉप एक्ट्रेस जब डांस कर रही थी तो याद आ गया वो समय जब मनीषा डांस से तहलका मचाती थी। देखिए इस वीडियो में। बहुत बहुत अच्छी रही मेरी संडे मॉर्निंग। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि मैं इतने ब्रेव किड्स के साथ बिताऊं और इतने अच्छे और मेहनती डॉक्टर्स जो कि एक एग्जेम्पलरी हैं हमारे सोसाइटी में, कितना काम करते हैं, कितना सेल्फलेसली वो बच्चों को बढ़ावा देते हैं। मैं बहुत बार टाटा कैंसर हॉस्पिटल गई हूँ और वहाँ पर काफ़ी डॉक्टरों को मैं देखती हूँ, सेल्फलेसली कितने काम, कितनी अच्छी तरह से वो पेशेंट को देखते हैं। और मुझे तो चाइल्डहुड कैंसर के बारे में उतना मालूम नहीं था क्योंकि मुझे फीमेल सेंट्रिक कैंसर से मैं जुड़ी हुई थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची, डॉक्टरों से बात किया और पता चला कि चाइल्डहुड कैंसर जो होता है कि 99% क्योरेबल है, ट्रीटेबल है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग कैंसर के नाम से इतना डर जाते हैं कि अपने बच्चे के वो ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते। तो जब ये बात मैंने सुना तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं कैसे आगे बढ़ के आप लोगों की मदद कर सकूँ, इस चीज़ को फैलाऊं लोगों तक कि चाइल्डहुड कैंसर जब भी होता है तो क्योर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक्सक्यूज मी। तो उन्होंने कहा, फिर हम लोग ने उसके बाद मेरा उन लोगों के साथ काफ़ी रिश्ता बढ़ते ही गया और आज मुझे बुलाया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने डांस इतना अच्छा किया, इतना जोश में, एक प्यारे से बच्चे जिसकी एक पैर कट गई थी कैंसर की वजह से, उसने कितने मस्ती से, कितने कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने आके परफॉर्म किया। क्या होता है कि बचपन में अगर हम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे दें, अच्छी मेमोरीज दे दें, दैट विल हेल्प द चाइल्ड टू हैव अ गुड मेमोरीज एंड बिल्ड द होल थिंग इन अ पॉजिटिव टोन रादर देन इन सैडनेस और सॉरो और दुख, यू नो। सो बहुत अच्छा लगा। बहुत, यू नो, आई फेल सो लव्ड एंड आई मीन बींग इन देयर प्रेजेंस, नोइंग हाउ मच दे हैव सफर्ड येट हैविंग सच अ ब्रेव हार्ट एंड देयर लव एंड अफेक्शन मीन्स द वर्ल्ड टू मी। मनीषा जी, आप ऐसी चीज़ से सफर कर चुकी है जो कि बहुत ही मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, और जब ऐसे बच्चों से आप, उस वक्त आपके माइंड में क्या आ जाए, तो कोई ऐसी मेमोरी जो आप कभी याद नहीं करना चाहती याद आ गई हो? हाँ, यू नो, ये जो कैंसर का जो होता है काफ़ी पेनफुल स्ट्रगल होता है और सबका अलग अलग है, लेकिन वी नो द काइंड ऑफ ट्रामा और साइकोलॉजिकल फिजिकल पेन वन हैज़ टू बेयर। पेरेंट्स को दुख होता है, जो हमें प्यार करते हैं उनको दुख होता है, तो ये सब देख के वी रियली फील पेन्ड एंड वी सफर बिकॉज ऑफ दैट। उसके डिस्पाइट ये सब होने के बावजूद भी जो बच्चों ने आज परफॉर्म किया, जो एक क्या कहते हैं, पॉजिटिव नोट में उन्होंने ये परफॉर्म किया, और I feel grateful to be part of this. I feel so honored that Impact Foundation, जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि एक पेशेंट, एक बच्चे के ओवरऑल हेल्थ के ऊपर वो देखते हैं, खाली वो उसको ट्रीट ही नहीं बल्कि उनका न्यूट्रिशन और उनको पूरा फैमिली को भी समझाते हैं कि कैसे बच्चे को रखना चाहिए, कैसा खुद का मनोबल स्ट्रांग रखना चाहिए, इसका वो पॉजिटिव रहेंगे, वो स्ट्रांग रहेंगे तो बच्चे भी स्ट्रांग रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, तो काफ़ी काम। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।